गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीके में अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं आर सराउंडिंग्स। इसमें सबसे नंबर वन पर है द यूनिवर्स, यानी आपके चैप्टर नंबर 13 है द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। इसके बारे में आपको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको उसको आइडेंटिफाई करके उनके नाम बताने हैं। आर यूनिवर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप आसमान में देखते हो तो आपको कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती होंगी, और आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में। तो आगे देखिए, देयर आर मैनी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स एंड फेनोमेना। इसमें बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें हैं और अभूतपूर्व। समवेयर इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली डेंस एंड समवेयर इट इज़ वास्ट स्पेस। कुछ तो बहुत ही घनी है और कुछ में बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है। देयर आर थिंग्स विच शाइन ब्राइटली एंड सम आर डार्क एंड इनविजिबल। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत ही तेज चमकीली हैं, और जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गहरी और ना दिखाई देने वाली हैं। अब इसमें आपको कुछ क्लूज दिए हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। नंबर वन, दे आर सपोज टू बी द मोस्ट रिमोट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। दे प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट, 100 और इवन 1000 टाइम्स एज मच एज एन एंटायर गैलेक्सी, दो दे आर ओनली अबाउट एज बिग एज आर सोलर सिस्टम। कहा जाता है कि ये हमारे जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे दूर ऑब्जेक्ट है। ये इतनी ज़्यादा रोशनी देते हैं जितनी कि पूरी गैलेक्सी से 100 या 1000 टाइम्स ज़्यादा इनमें लाइट है, और ये हमारे सोलर सिस्टम जितने ही लगभग बड़े हैं। नंबर वन पर है कसार कॉमेट्स। नंबर टू, अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस दैट मे एग्जिस्ट इन स्पेस, सम एमिट लाइट वाइल अदर आर डार्क, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरसेलर क्लाउड्स। ये बादल ये जो धुएं और गैस के ऐसे बादल होते हैं जो कि स्पेस में हैं। कुछ तो बहुत चमकीले होते हैं, कुछ अंधेरे वाले होते हैं, और इन्हें इंटरसेलर क्लाउड्स कहा जाता है, यानी कि ये तारों के बीच में होते हैं। नंबर टू पर है नेबुला। नंबर थ्री, बॉल्स ऑफ फ्रोजन डस्ट एंड गैसेस दैट ऑर्बिट द सन अलोंग वेरी एलोंगेटेड पथ। ये डस्ट और गैस के ऐसे बॉल्स होते हैं जो कि सूर्य से बहुत दूरी पर होते हैं। इन्हें लगभग एक चक्कर लगाने में 10 से हजारों साल तक लग जाते हैं, और जैसे ही ये सूर्य के पास आते हैं तो इनकी एक पूंछ आ जाती है जिसे कोमा कहा जाता है। ये है नंबर थ्री पर कॉमेट्स, इसे हिंदी में धूमकेतु कहा जाता है। नंबर फोर, स्मॉल बॉडीज दैट ऑर्बिट आर सन दे रिजेंबल प्लानट इन मैनी वेज बट हैव इरेगुलर शेप्स, मोस्ट आर फाउंड इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये बहुत छोटे होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये प्लानट जैसे ही लगते हैं लेकिन इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये है नंबर फोर पर एस्ट्रॉइड्स। नंबर फाइव, इट इज़ क्रिएटेड बाय द इनवर्ड कॉलेप्स ऑफ अ ह्यूज स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। साइंटिस्ट थिंक दैट इट इज़ मच हैवियर देन आर सन बट मच स्मॉलर इन साइज। दिस इज बिकॉज द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर दस कंप्रेसिंग इट्स मैटर। ये कहा जाता है कि यह तो एक टूटा हुआ तारा या तारों की समूह के टूटने से ये बनता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इतना ज़्यादा हैवी होता है जितना कि हमारा सन, लेकिन ये साइज़ में बहुत छोटा होता है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी यानी अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है कि ये अपने सेंटर में किसी को भी कंप्रेस करके अपने अंदर खींच लेता है। ये है नंबर फाइव पर ब्लैक होल। नंबर सिक्स, पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम्स दैट स्ट्रीम इन फ्रॉम आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम्स से भी बहुत छोटे होते हैं और
सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ ये होते हैं। नंबर 6 पर है कॉस्मिक रेस। तो बच्चों आपने आज यूनिवर्स के बारे में जाना, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से सुनिए, समझिए और इस वर्क को कॉपी में करके दीजिए। ओके, थैंक यू।